गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज संडे है, आज हम थोड़ी देर से उठे हैं। चलो भगवान जी को थोड़ा प्रणाम कर लेते हैं। आज थोड़ी देर से उठे हैं तो सॉरी भगवान जी। अभी आगे का काम शुरू करते हैं हम। आप सभी कैसे हैं वो भी बताइए। चलिए पेड़ों को पानी डालने चलते हैं, क्योंकि कल शाम को मैंने डाल नहीं पाया था, तो अभी सुबह डालना बहुत ज़रूरी है। आइए आप भी चलिए मेरे छोटे छोटे पेड़ों से मिल लीजिए। यहाँ पे धूप, सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप आ जाती है, बेचारे पेड़ पौधे जलना शुरू हो जाते हैं। और अभी मैंने उनको ढका भी नहीं है, पानी डाल देती हूँ, फिर उनके बाद उनको कवर भी कर देंगे अपने पेड़ों को। चलो आज हमने यहाँ पे चाय बनाते हैं। और ये जो मैं चाय बना रही हूँ वो कभी कभी बनाती हूँ इस टाइप की चाय, क्योंकि इतने मसाले वसाले डाल के मैं बहुत कम चाय बनाती हूँ। चलिए आज मेरी तरह से चाय बनाते हैं। पहले चाय पत्ती, नॉर्मल जो हम चाय पत्ती डालते हैं वैसे चाय पत्ती डाल लेते हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गुड़, क्योंकि मैं गुड़ की ही चाय बनाती हूँ। शुगर काफ़ी टाइम से, जब कोविड आया था उस टाइम से शुगर बंद है। और यहाँ पे हमने 5-6 काली मिर्च ले ली है, इसके बाद एक लौंग ली, और ये छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, और यहाँ पे ड्राई जिंजर का टुकड़ा लिया है छोटा सा। और इसके बाद बचती है एक इलायची, ये भी हम डाल देते हैं। और इसको अच्छे से पीस लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं इसका। और फिर इसको हमको चाय में डाल देना है। ये देखो हमारा ये अच्छे से पाउडर बन गया है, और इसको अभी हम चाय में डाल देते हैं। और फिर इसको पानी को बॉयल होने देते हैं, जब तक मैंने यहाँ बेटू के लिए बनाना शेक बना दे रही हूँ। और यहाँ पे बनाना को काट लिया है, और इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे, और इसमें थोड़ी सी शुगर डाल देंगे। अभी इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, इसको ब्लेंड करके फिर जो बाकी दूध है उसी में हम इसको मिक्स कर देंगे। इस तरह से हमारा बनाना शेक बन के तैयार हो गया है। ये देखिए ये पूरा तैयार हो गया हमारा बनाना शेक। बस इसको लीजिए और ठंडा ठंडा पी लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने दूध ठंडा यूज किया है, बनाना भी रात का फ्रिज में रखा हुआ था तो वो ठंडा यूज किया है। और बस अगर कोई बड़ा पी रहा है तो उसमें आइस क्यूब भी डाल दीजिए। यहाँ पे हमने चाय पत्ती के पानी में दूध डाल दिया है, अब इसको हम बॉयल होने देते हैं थोड़ी तेज आंच पे। और ये बॉयल हो गया, अब इसको हम थोड़ा स्लो कर देंगे। स्लो के बाद हम इसको 3-4 मिनट इसको बॉयल करेंगे। ये देखिए मेरी चाय बन के तैयार हो गई, इसको हम छान लेते हैं और चाय बन पीने के लिए तैयार है। आइए आप भी पी लीजिए साथ में। इस तरह से आप भी एक बार चाय बना के देखिए। गुड मॉर्निंग सबसे पहले फिर से वंस अगेन। और हमारी चाय हो गई है, और साथ ही साथ अभी मेरे यहाँ कपड़े भी धुल रहे हैं, मशीन चल रही है मेरी। तो आज संडे है, मैं हर संडे को ही मशीन लगाती हूँ, रेगुलर ऐसे डेली मशीन नहीं लगाती हूँ, संडे संडे को ही लगाती हूँ। तो मशीन लग गई है और थोड़ा कपड़े धुल जाएंगे अभी फटाफट से। और आज ब्रेकफास्ट का ऐसा है कि बाहर से मंगाने वाले हैं, तो ब्रेकफास्ट बाहर से आने वाला है, तो काम का इतना कोई रश नहीं है। और फिर देखते हैं लंच में क्या बनाते हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, तो फिर मिलते हैं। यहाँ पे हो गया है डस्टिंग टाइम, तो जल्दी से साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि बहुत डस्ट हो जाती है। और एक्चुअली बाजू वाले घर में थोड़ा लकड़ी वकड़ी का काम हो रहा है, तो वहाँ से भी काफ़ी धूल मतलब डस्ट आती है, तो जल्दी से सफाई कर लेते हैं। छोटी छोटी जगह पे बहुत डस्ट हो जाती है, तो अगर रेगुलर नहीं कर पाते तो वीक में एक बार तो करना बनता ही है। हालांकि मैं करने की कोशिश करती हूँ, जहाँ पर मेरे को दिखती है वहाँ तुरंत तुरंत मार देती हूँ, पर कुछ जगह होती हैं जहाँ पर नहीं हो पाता है, थोड़ा सा लेजीनेस भी आ जाता है। लेजीनेस तो क्या मतलब हो ही जाता है। यहाँ पे घड़ी साफ कर रहे हैं, घड़ी साफ करते में मेरी घड़ी टूट गई, एक्चुअली पता नहीं कैसे उसका पेंडुलम टूट गया, तो उसको फेविक्विक से सही करना पड़ेगा। और कहते हैं घड़ी को हमेशा साफ रखना चाहिए, घड़ी पर डस्ट नहीं होनी चाहिए। आप कुछ भी साफ करो डेली या ना करो, घड़ी को डेली पोंछ देना चाहिए, उसके ऊपर डस्ट नहीं। फ्रेंड्स तो मैं अभी नहा धो के आ गई हूँ, और अभी मेरे समोसे भी आने वाले हैं जल्दी, फिर समोसे खाते हैं हम लोग। और तब तक मैं थोड़ा बहुत घर का छोटा मोटा काम देख लेती हूँ, मशीन भी चल रही है उसको भी देखते हैं। ओके यहाँ पे हमारे समोसे आ गए हैं, और ये मैं बिट्टू को तोड़ के दे देती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो वो खा लेगा। यहाँ पे समोसों में बहुत कम मसाला रहता है, हमारी साइड में समोसे काफ़ी स्पाइसी अच्छे होते हैं, यहाँ पे शायद लोग ऐसे ही खाते हैं फीके फीके, पर ठीक है ओके। इंदौर से तो बेटर है, वहाँ पर मीठे समोसे मिलते हैं। ये आ गई हमारी जलेबी, समोसे और जलेबी का कॉम्बिनेशन तो है ही, बट गुजरात में क्या बोलते हैं फाफड़ा और जलेबी का कॉम्बिनेशन है, बट हमारी साइड में समोसा जलेबी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। और ये कुछ लेके आए थे, इसका नाम तो नहीं पता है, बट ये ढोकले जैसा है, स्पंजी है, बट ये
पतला है, मीन्स ढोकला थोड़ा मोटा होता है, ये थोड़ा पतला है और खाने में खट्टा भी था, खट्टा था। जो ढोकले में एक मिठास होती है वो नहीं था। जब हम लोग खा रहे थे तभी ये बंदरों ने हमला कर दिया, लंगूरों ने हमला कर दिया और कम से कम 8-10-12 लंगूर आ गए और इधर से उधर सब लोगों को परेशान कर रहे थे। सामने वाली छत में वो भाभी नहीं थी तो उनके पेड़ पौधे रखे थे बालकनी में, उनको खा लिए, मतलब बहुत परेशान। ये देखो ये तो हमारे सीढ़ी के पास आके बैठा हुआ था और अंदर सॉरी किचन में भी आ गया था, पीछे का गेट खुला हुआ था क्योंकि मशीन लगी हुई। ये है मेरे कचौड़ा और ये कुछ खा रहा है, क्या खा रहे हो? चिप्स। ये चिप्स खा रहा है और अभी हम बना रहे हैं पुलाव। पुलाव खाओगे? नहीं। क्यों? मन नहीं है उसको, पुलाव खाने का मन नहीं है, बनाया नहीं। ये चावल है इनको हम भिगा देते हैं तब तक काटेंगे, फिर हम दाल चावल बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे। क्या कर रहे हो गोलू? और ये रखे हैं कपड़े क्योंकि अभी धूप बहुत तेज हो गई है, इनको हम डालेंगे शाम में, गर्मी बहुत है तो सूख तो जाएंगे ही, नो प्रॉब्लम। और इधर पूरा सही कर दिया है, ये हमारी वॉशिंग मशीन को पैक करके रख दिया है क्योंकि धूप आ गई है। और ये मेरा चटर पटर है जो परेशान कर रहा है मेरे को, है ना? नहीं, मेरा चटर पटर। यहाँ पे हम ये थोड़ी सी सोया चंक्स ले लेंगे और इसको बॉईल करने रखेंगे, तो इसको हम केवल पानी में भिगा दे रहे हैं और इसको पुलाव में ये बॉईल तो हो ही जाएगा तो इसको हम बॉईल नहीं करते हैं, केवल हमने थोड़ा सा ये पानी में भिगा दिया। जब तक हम सब्जी वगैरह काटेंगे तब तक यहाँ पे हमने 2 आलू ले लिए हैं मीडियम साइज के और 4 प्याज ली हैं, 4 टमाटर हैं, एक ही छोटू सा है, वैसे मैं 3 ही डालने वाली थी पर ये छोटू सा मिल गया तो इसको भी डाल देते हैं। और यहाँ पे ये 3 हरी मिर्ची ली है, इनको हम कट कर लेते हैं, तो हम प्याज को थोड़ा लंबे में कट करेंगे। यहाँ पे हमने प्याज को लंबा लंबा काट लिया है और टमाटर काट लिया, आलू काट लिया, अभी हम इसमें हरी मिर्च रह गई है उनको और काट लेते हैं प्याज में ही, तो ये साथ में ही भुज जाएगी। इसमें हम पहले ऑयल डाल देते हैं, थोड़ा पुलाव में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा। यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो गया है तो हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं। जीरा डालने के बाद इसमें प्याज और हरी मिर्ची डाल दे रहे हैं और इसको भून रही है। यहाँ पे हमारी प्याज भून गई है, ये इसमें थोड़ा सा हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, हल्दी पाउडर 1 स्पून और ये 1 से आपको जितना स्पाइसी रखना है। ये 2 चम्मच मैंने मिर्ची डाली है, छोटी सी चम्मच है, इसको मिक्स कर देंगे। और ये हमारे पास एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला है तो इसमें से हम थोड़ा सा डालेंगे, लगभग 1 चम्मच के बराबर। ये देखिए 1 चम्मच के बराबर हम इसमें मसाला डाल रहे हैं, भूंज लेते हैं। अभी इसको भूनने के बाद हम इसमें ये हमारा टमाटर रखा हुआ है ये टमाटर डालेंगे और ये जो आलू है इसको भी डाल देते हैं। अभी आपको चावल के अकॉर्डिंग जितना नमक डालना है आप उतना डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच पहले डाला था और 1.5 चम्मच ये अभी डाल दिया है और इसको हम मिक्स कर देंगे। अभी हम इसको टमाटर को पकने देंगे, इस टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गया है। अभी जो हमारे ये सोया चंक्स रखे हुए हैं इनको हम पुलाव में डाल देंगे, इनको हमको स्क्वीज करके डालना है, इनके इसको निचोड़ देंगे और फिर इनको पुलाव में डाल देंगे। इसके बाद हमारे पास हमारा जो चावल भीगा हुआ रखा था, ये 2 कप चावल है, नॉर्मल चाय वाला चावल 2 कप है, इनको हम पुलाव में डाल देंगे। तो कुछ नहीं करना है, हल्के से हाथ से इसको मिक्स कर देंगे, मसाले और राइस को साथ में बना, राइस भीग जाएगा क्योंकि इनको पिघला हुआ है। अभी इसको हम 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, 2 मिनट नहीं 1 मिनट के लिए। हमारा 2 कप चावल है तो हम इसमें 4 कप पानी डाल देंगे, ये पानी डाल दिया, नमक वगैरह हम सब पहले डाल चुके हैं। अभी बस इसको हल्के से मिला देंगे पानी को और इसके ढक्कन को हम बंद कर देते हैं। बस 1 सीटी आएगी, हमारा पुलाव तैयार है। अब यहाँ पे हमारा पुलाव बनके तैयार हो गया है, खोल के देख लेते हैं कैसा बना है।
ये कछुआ हाँ आजा कछुआ ये पुलाव हमारा रेडी है, चलिए आइए पुलाव खाते हैं साथ में। आप भी आइए, आप भी खाइए। और फिर याद आया है कि घर पे कोल्ड ड्रिंक रखी है, तो पुलाव के साथ कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। तो बस यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ये मेरी फैमिली वाली वेब सीरीज देख रहे थे हम लोग, तो अच्छी है, आप लोग भी देखना, इसका सेकेंड सीज़न आ गया है और काफ़ी अच्छी है, फैमिली के साथ बैठ के देखने। यहाँ पे मैं अंदर गई, हम लोग बाहर देख रहे थे, मुझे लगा बेटू कूलर चला के सो रहा है। अंदर देखने गए तो भाई साहब मिरर लेके खुद को ही निहारने में लगे पड़े थे। क्या कर रहे थे, क्या कर रहे? इधर इनकी अलग मस्ती चलती रहती है, अलग अकेले अकेले। क्या चाहिए? मैं थोड़ी देर बाद के ही ऐसे सो रहा था, मुझे लगा जग रहा होगा, पर ये सो चुका था बिट्टू मेरा। ये फिर हम लोगों ने थोड़ी देर बाद सोचा कि तरबूज खाते रखा हुआ था, फिर ये तरबूज खा रहे हैं हम लोग। अच्छा निकला, आजकल तरबूज बहुत अच्छा आ रहा है, इससे पहले लेके आए थे वो भी काफ़ी मीठा था। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज गया है शाम का 6 बज गया है और हम लोग जा रहे हैं आज अहमदाबाद के एक स्पेशल मार्केट, वो हम आपको भी दिखाते हैं। ओके, ये हैं गांधी जी इस इन, और ये एक होटल है जो हमने तारक मेहता में देखा था, जहाँ पे जेठालाल की पूरी फैमिली लंच के लिए गई होती है। ये राउंड राउंड घूमता भी है, बट ये अभी किसी रीजन से बंद है। और हम ये पहुँच गए हैं तीन दरवाज़ा मार्केट। ये अहमदाबाद का तीन दरवाज़ा मार्केट बहुत सस्ता, मतलब बोलते हैं ये बहुत सस्ता मार्केट है, और मतलब काफ़ी अच्छा मार्केट है। मैं हम लोग किसी और रीजन से गए थे यहाँ पे, बट फिर वो आज संडे था इसलिए वो मार्केट बंद था, इसलिए हम लोग यहीं से थोड़ा बहुत घूम के आए, देखते हैं कैसा है। कुछ लेना तो ऐसा नहीं था, पर मार्केट काफ़ी अच्छा है, मार्केट बहुत अच्छा है, मतलब बैग वगैरह हर चीज़, मतलब कपड़े। सबसे अच्छी चीज़ है कि काफ़ी शॉप पे मोस्टली सारी शॉप पे प्राइस फिक्स थे। एक्चुअली मेरे ये जो कुर्ती देख रहे हैं ये 200 रुपये की थी। एक्चुअली होता क्या है ना, मेरे को भी बार्गेनिंग करना आता नहीं है। ये कुर्ती 300 रुपये की, दो कुर्ती हैं, कोई भी कुर्ती लो 300 रुपये की दो हैं। तो जिनको बार्गेनिंग करना नहीं आता है उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। और ये जो बैग दे रहे हैं, एक देख रहे हैं, इनमें से कोई भी बैग लीजिए, 130 रुपीज का बैग था। 150 का। और ये टी शर्ट है 150 रुपए की, दो टी शर्ट बच्चों की टी शर्ट थी, मतलब मार्केट काफी अच्छा है और फिक्स रेट है। और ये जो पैड दिख रहे हैं 40 पैड्स लिखा हुआ है, 150 रुपए के 40 पैड थे, पर मतलब लोकल ब्रांड के थे, लोग ले रहे थे, अच्छे होंगे पता नहीं। और यहाँ पे ये आंटी टैटू बना रही थी। और ये जो ज्वेलरी है, जो भी ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी रहती है, काफ़ी अच्छी थी, 150-200 रुपए की, जो हम मार्केट से काफ़ी महंगी मिलती है वो ज्वेलरी थी। और ये जो आप सामने देख रहे हैं वो है अटल ब्रिज। फिर हम यहाँ पे खाने के लिए रुके दावेली। ये मेरा बेटू, इसका तो हर टाइम मस्ती, इसको खाना था फ्रेंच फ्राइज बट मिली नहीं, तो यहाँ पे हमने दावेली खाई। एक्चुअली मोस्टली दावेली का जो साइज रहता है वो छोटा रहता है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी दावेली थी और ये दो लेके आए, इतना हैवी हो गया था। टेस्टी तो था, नो डाउट बहुत टेस्टी था, बट खाने पेट में जगह नहीं थी, फिर बेटू को मैंने ज़बरदस्ती खिला रही थी, बेटू खा ले, पर उसको खाना नहीं था। यहाँ पे घर पे आके बेटू ने कुछ नहीं खाया, फिर मैंने बेटू के लिए पास्ता बनाया, मेरा पेट फुल हो चुका था। और ये बोल रहे थे कि पुलाव रखा है, दिन का थोड़ा सा अगर इच्छा होगी तो मैं खा लूँगा, पर इन्होंने भी नहीं खाया क्योंकि पेट भर गया था, वो दावेली बहुत हैवी थी। और ये बन गया है पास्ता हमारा। फिर मुझे याद आया कि बेटू को कल स्कूल जाना है, उसका बैग साफ कर दे रही हूँ, फिर बेटू का बैग साफ किया, काफ़ी गंदा हो गया, ये बैग बहुत अच्छा है, ये हमने डीमार्ट से लिया था। दूध गर्म करने रख दिया है और काम हो गया है मोस्टली सारा, बिट्टू का बैग भी धुल दिया है, अभी थोड़े से बर्तन पड़े हैं उनको और साफ करना है।